खत्म हुए राम रहीम दी आजादी दे दिन हुण जाना पऊगा जी। सत श्री अकाल जी, स्वागत है रोजाना टाइम देखने वाले सारे स्रोतियां दा। मैं तरनदीप सिंह। गुरमीत राम रहीम दी जिहड़ी पैरोल आ उस नूं 40 दिन होने वाले ने, तुहानूं दस दईए 25 नवंबर नूं खत्म होने जा रही है। 25 नवंबर नूं उह सनारिया जेल दे विच जाणगे, पर उत्थे ही तुहानूं दस दईए लगातार गुरमीत राम रहीम दी जिहड़ी पैरोल सी उसदी रद्द करन दी जिहड़ी मंग काफ़ी वधी, काफ़ी ये मामला चर्चा का विषय रहा। तुहानूं दस दईए पहला स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला कमीशन की चेयरपर्सन ने, उन्होंने वालों विरोध किया गया कि गुरमीत राम रहीम से जिहड़े अपराध लगे ने, दोष लगे ने, वह सजा भुगत रहा है। बलात्कार के उसते दोष ने और कतल के साधनियों के शोषण के एडे एडे दोष ने, उसनों साल की तीजी पैरोल क्यों दे दी गई। इस बाबत उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी, जिस तों बाद लगातार यह जी गुरमीत राम रहीम की पैरोल रद्द करने की मंग इन्नी ज़्यादा वधी कि हजे तक भी मंग की जा रही थी। पर हुण तुहानूं दस दईए गुरमीत राम रहीम जी पैरोल आ खत्म होने जा रही है 25 नवंबर को। तुहानूं दस दईए गुरमीत राम रहीम सनारिया की जेल में जाएंगे और हुण जदों उह ने उह तुहानूं दस दईए कि इह जो यूपी के डेरा बागपत दे विच उत्थों लाइव जी सत्संग किए जा रहे हैं, लाइव सत्संग किए गए और दो गीत यूट्यूब पर रिलीज भी किए गए। हालांकि हरिचंद अरोड़ा के वलों यह भी बयान दिता गया सी कि जिहड़ा गुरमीत राम रहीम आ और यह जी पैरोल से बाहर आया हुआ पैरोल से एक दो इन्हें यूट्यूब गीत रिलीज किए ने यूट्यूब से और लाइव सत्संग कर रहा, इसने पटीशन दायर की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। हालांकि मानयोग अदालत ने इस पटीशन विदड्रा कर दिता से, पर उत्थे ही तुहानूं दस दईए कि यह जी पैरोल रद्द करने की मंग श्रोमणी गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी वालों भी मंगी गई, क्योंकि एक बड़ा सवाल जिहड़ा खड़ा हुंदा है क्योंकि गुरमीत राम रहीम से कई अजिहे दोष लगे हुए ने, सजा भुगत रहा है और साल की तीजी पैरोल दे दी गई है। और उधर जिहड़े बंदी सिंह ने उन्होंने लैके भी पंजाब और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई कि जिहड़े बंदी सिंह ने उन्होंने तो रिहा नहीं किया जाता, पैरोल तक नहीं मिलती, पर जिहड़ा यह गुरमीत राम रहीम से साधनियों के शोषण और बलात्कार के इल्जाम लगे ने, दोष लगे हुए ने, सजा भुगत रहा है, इसमें साल की तीजी पैरोल दे दी गई है। हालांकि जी खास गल है तुम दस दिए कि हरियाणे के चोणा होने जा रही ने, आदमपुर दोणा होनी से और सरपंची पंची दोणा हुई तुम दस दिए आखिरी आखिरी पड़ा ते ने। दस दिए 25 नवंबर में हिसार, फरीदाबाद, फतेहाबाद से कई जगह पर जोड़े चोणा ने खत्म हो जाएगी। सो उस दौरान तुम दस दिए 25 नवंबर तो गुरमीत राम रहीम की पैरोल भी खत्म आ। सवाल यह खड़ा होंगे है कि जदों इसकी मंग लगातार बढ़ रही थी तो सरकार और अदालतों ने राम रहीम की पैरोल खत्म क्यों नहीं किया, वड्डा सवाल है। और उत्थे ही तुहानूं दस दईए भावें स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला कमीशन चेयरपर्सन ने, हरिचंद अरोड़ा के वालों अदालत का रुख किया गया, जो वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल के वालों बयान आया से जदों गुरमीत राम रहीम ने एक लाइव सत्संग किया कि पंजाब के डेरा बनेगा सनाम साहिब के। हालांकि विरोध किया गया, पंजाब सरकार ने भी किया और तुहानूं दस दईए फौजा सिंह सरारी खुद जो कोटकपुरा के डेरे में पहुंचे से, हाजिरी लवाए से, विवादित कई मामले चले, पर उस दौरान लगातार मामला इन्ना वधिया कि जिहड़ी पैरोल रद्द करने की मंग केंद्र सरकार तक पहुंची। हालांकि यह जिहड़ी मंग सिर्फ मंग तक ही रही, इहते कोई एक्शन नहीं लिया गया। तुहानूं दस दईए लगातार इह जिहड़ी बयानबाजी तों बाद पैरोल खत्म 25 नवंबर नूं होण जा रही और उत्थे तुहानूं दस दईए हनीप्रीत ते कई चर्चा चलिया, हनीप्रीत का नाम रख्या गया, रूहानी दीदी नाम रख्या गया और कई अजिहे खबर सामने जिसन लैके जो विरोधी पार्टियां ने और फिर राम रहीम के विरोधी ने, सीधा कह सकते हैं जो कानून की दायरे के रह के जिहड़ियां पटीशनां पाई गई विरोध किया गया, तो इत्थे यह सवाल खड़ा होंदा कि गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म क्यों नहीं हुई। उत्थे ही तुहानूं दस दईए जो सब तो वड्डा जिहड़ा मुद्दा है कि गुरमीत राम रहीम वल्लों वड्डे वड्डे सत्संग किए गए, लाइव जिहड़े लाइव सत्संग किए गए और दो यूट्यूब ते गीत रिलीज किए गए। तो सब तो वड्डी गल यह आ कि गुरमीत राम रहीम की जिहड़ी पैरोल आ रद्द क्यों नहीं की गई और मुकदी गल है कि 25 नवंबर में गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म होने जा रही है। सो तुहानूं यह पूछा जा रहा कि अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स साझे करना कि गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म क्यों नहीं हुई। सो मैनूं दिओ इजाजत।